दूसरे दिन आने के उन्होंने इतने फायरिंग कर दी। निकलो कुत्ते उस आइए तुम्हें नहीं छड़ना। भाई इतने महल के बच्चे आके सौ को राशन पिलाता चर्च तो शुरू होए ने चोर अगली वो गली तक गए उतो फिर वापस आए कुत्ता एक गली से लंघ दिया फिर नाल घर के बच्चे वो कुत्ते मार दिता उन्हें। एक का कोई झगड़ा होता है कुछ भी बात यार और बच्चे जला दी जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है किसी एक बंदे का डिस्प्यूट किसी के साथ हो सकता है। अब वो जो बात कर रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की है वो वहाँ के मंशियात फरोश है, बड़े पॉपुलर लोग हैं वहाँ पे, उनका पूरा एक भत्ता है और सारा सिस्टम माफी है और बहुत सी एफ आई आर उनकी जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। कम्युनिटी का दोनों कम्युनिटीज का सेम मैटर नहीं था। उन्होंने एक दिन पहले ये झगड़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक बंदे पे हमला नहीं किया, पूरी आबादी पे हमला किया, फिर 20 घरों पे फायरिंग की है। उसमें 8 खवातीन को गोलियां लगी हैं, एक प्रेग्नेंट खातून को 2 गोलियां लगी हैं, लोगों के घरों पे गोलियां बरसाई हैं। और पुलिस का ये हाल है कि इन्होंने 780 तक नहीं लगाई उसमें रजिस्ट्रेट नहीं की। खौफ और आपका अलग ये किसी से मैं झगड़ा उसके घर जाऊंगा, मैं पूरी आबादी पे फायरिंग की है। ऐसी तो घर नू आ रहे हैं रस्ते दे विच ना साढ़े पिछे लग गया, असी थोड़ा अगे आए हैं उथे ते पिछे आके कहंदे ओए ठहरो तुसी बहुत मशकूक मैनू लग रहे हो। मैं क्या भाई जान अभी कोई मशकूक बंदे नहीं है, साडा नाम पता है, 35-40 साल तो इतों के रहती हैं। जब जो उन्होंने पता चलिया कि असं मसीह हैं, उन्होंने मैं दसिया कि असं मशकूक नहीं है, असं मसीह बरादरी के बंदे हैं, इतने रह रहे हैं। तो उन्होंने जो ये वेखिया फिर उन्होंने होर बंदे आ गए, उन्होंने रिएक्शन ही होर हो गया। उन्होंने कहा इन्होंने साइया चूड़िया फड़ो अज मार देना मैं, तो फिर इन्होंने पिछले घर के भी नहीं छड़ने। वो फिर जनाब दूसरे दिन फिर गन्ना लैके फिर साढ़े घर च आ गए ने, फिर साढ़े घर उन्होंने टारगेट किया, पहले फायरिंग करते अगे इस तरह ही गए ने, फिर दूसरी दफा वापस आ के बकैदगी दे नाल उन्होंने बुवियां दे विचों बीबियां दे बच्चों नूं टारगेट करना शुरू कर दिया। इत्थे इन्ना उन्होंने महल्ले साढ़े दे विच आ के गालम गलोज किया कि चूड़ियो साइयो बाहर निकलो तुहाडियां मावां पैणा इज्जतां दी, उन्होंने पमाल इज्जत कीती। इत्थे ये है शेराकोट का मसीही महल्ला शमसाबाद, जो आज भी खौफ के साया में दिन की रोशनी में डरा हुआ है। डर का दबदबा इतना क्यों ना यहाँ होता, दरिंदा सिफ्त लोगों ने अपनी नफरत को इंसान तो इंसान, अपनी दहशत को फैलाने के लिए मसीही महल्ला के एक पालतू कुत्ते को भी तस्वी सोच रखते हुए अपनी गोलियों का निशाना बनाकर मार डाला। दूसरे दिन आने के उन्होंने फायरिंग कर दी, निकलो कुत्ते उस आइए तुम्हें नहीं छड़ना। भाई इतने महल के बच्चे आके खौफ और राशन पिलाता चर्च तो शुरू होए ने चोर अगली वो गली तक गए ने उतो फिर वापस आए, फिर फायरिंग करते बुवियां के बच्चे जोड़ा भी अगे आया उन्होंने मार, फिर 3-4 बीबियां, फिर बीबियां फायर लगे ने, बंद लगे ने, बच्चों लगे ने, कुत्ता एक गली से लंघ दिया फिर नाल घर के बच्चे वो कुत्ते मार दिता उन्हें। दहशतगर्दी फैलाई, बस यो है कि जी छड़ना नहीं था। मसीही महल्ले में तकरीबन हर मसीही घर के बाहर गोलियों के निशान बाकी हैं, जो मसीही महल्ला के लोगों को पुलिस की मौजूदगी में भी अदम तहफ़ का एहसास करवा रहे हैं। हमारे इधर मोहल्ले में जो वाकया हुआ है, हमें इस बात का भी डर है कि दोबारा फिर ना ये लोग आ जाएं। पुलिस वालों ने हमें सेफ्टी तो दी हुई है, लेकिन हमें ये डर है कि ये चले जाएंगे तो हमें हमारे घर में फिर दोबारा ये हमला ना हो जाए हमारे मोहल्ले में। इस मसीही महल्ला में 30-35 घर हैं, जिनमें चंद घर मुसलमानों के भी हैं, जो तमाम के तमाम इस टारगेट फायरिंग से महफूज रहे। महल्लेदार मुस्लिम लोगों का कहना है कि मसीही कौम के साथ ज्यादती हुई है। इनका कहना है कि हम अमन पसंद कौम के साथ हैं। अच्छे तरीके बड़े अरसे तो जानने असं कट्ठे रहने, इस महल्ले बड़ा अरसा हो गया, 20 साल तो असं कट्ठे रह रहे हैं इतने, लेकिन जो है साढ़े हमसाया नजायज़ होया। सा दरवाजा है कि सा दरवाजा बच गया तो पैरों भी फैर नहीं लगा, है अल्लाह का शुक्र लग गया। मैं मुसलमान है कृष्ण भाई ने, इन्होंने 30-35 घर इधर है, मेरे 2-3 घर मुसलमान दे गए ने, अज तक साड़ी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बकाया लिहाजा असं अमन पसंद लोग है। गली में 2 मुस्लिम घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर इन दोनों घरों और पुलिस के मुताबिक इस वाकया की फुटेज मौजूद नहीं है। वहीं पर सीसीटीवी फुटेज दोनों घरों के कैमरों में ना होना ये सवाल भी पैदा करता है
कि आया ये मुस्लिम लोग इन शीतल पसंदों से डर गए हैं या कि इनको मसीह बरादरी के वादात से कोई मसला था। कुछ विश लोग हैं जो इस चीज तो तनकीद उठाते सन कि जी ये लाउडली इन्हों का चलता है साउंड से इन्हों की वादात होंगे इस वजह तो भी उन्होंने कुछ इशू किए हैं तो यही लोग जो ज्यादातर तंग तुंग करते रहे इतने आगे उन्होंने फिर उन्होंने यही दहशत से खोखो हरास फैलाया कि लोग डर जाए मसीही डर जाए इन्होंने कन्न हो जाए आइंदा जी हरकत है इन्होंने ना कर अपना इबादत भी डर के कर लोग छुप के कर। एक छोटे से वाकया में जिसमें मारा भी एक मसीही शख्स हो गया हो पर इस वाकया को एक बहाना बनाकर पूरी मसीही वादी पर हमले की वजह अगर एक शख्स था तो निशाना तो एक शख्स ही होना चाहिए था। किसी एक का कोई झगड़ा होता है और कुछ भी वादियां और बस्तियां जला दी जाती है यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है किसी एक बंदे का डिस्प्यूट किसी के साथ हो सकता है। अब वो जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग की है वो वहाँ के मंशियात फरोश है बड़े पॉपुलर लोग है वहाँ पे उनका पूरा एक भत्ता है और सारा सिस्टम माफी है और बहुत सी एफ आई आर उनकी जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। कम्युनिटी का दोनों कम्युनिटीज का सेम मैटर नहीं था उन्होंने एक दिन पहले ये झगड़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है उन्होंने ये किया है उन्होंने एक बंदे पे हमला नहीं किया पूरी आबादी पे हमला किया फिर 20 घरों पे फायरिंग की है उसमें 8 खवातीन को गोलियां लगी हैं एक प्रेग्नेंट खातून को 2 गोलियां लगी हैं क्योंकि घरों पे गोलियां बरसाई हैं और पुलिस का ये हाल है कि इन्होंने 780 तक भी लगाई उसमें रिस्ट्रिक्ट की खौफ आपका आलम यह किसी से मैं झगड़ा उसे खा जाऊंगा मैं पूरी आबादी ने फायरिंग की है हर घर में आप जाएंगे कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का बंदा नहीं था वो लोकल वहां का माफिया है वहां के डोगर हैं जिन्होंने ये हरकत की थी वहां पे और उनके नाम नॉमिनेटेड FIR से 10 के करीब वो लोग थे और एक बंदा मैगजीन भरने पे था 20 घरों में गोलियां लगी हैं उनके जो उस FIR में 3 लोगों के नाम है क्या ये वही दुरुस्त लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने किया है हमेशा के चेहरे एक तो इल्जाम लगता है और पूरी आबादी जला दी जाती है अभी भी यही हुआ है किसी एक का झगड़ा है और पूरी आबादी पे उन्होंने आगे अटैक किया और पुलिस की जो पुलिस की रिपोर्ट आप देख रहे हैं पुलिस की रिपोर्ट ये है कितने राउंड फायर हुए बता रहे 200 से ज्यादा राउंड है और हर घर पे फायरिंग की है बच्चों को गोलियां लगी हैं औरतों को गोलियां लगी हैं मैं समझता हूँ 9 लोग तो जो थे वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहे मरम पट्टी रेल की गोलियां निकाली गई क्योंकि बीच में ही अभी तक और वो उनके घरों में विजिट किया 20 से करीब घरों पर फायरिंग किया अच्छा जी और 780 नहीं लगी पुलिस का तो ये हाल है। सैदर साहब मेरी अर्ज ये है कि आप इस ये जो रिपोर्ट आई है जी डीजी साहब आप इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट समझिए ठीक सैदर कामरान मैजू साहब जो कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं नंबर 1 कि दिस वॉज मैटर ऑफ यू नो क्रिएटिंग अ पब्लिक और यू नो टू स्केयर द पब्लिक एट लार्ज जो कि परहैप्स वैलिडली फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट। पर दर हकीकत ये एक मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी तस्बी जुनून का है जो हमला करते वक्त मसीहियों को चला चला कर कहते रहे निकलो सईयो निकलो चोरो ऐसे लफज और वाकियात ही माशरे में अदम तहफ़ की वजह बनते हैं।